नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आपका एक बार फिर से तोदी कॉलेज के YouTube चैनल पर स्वागत है। अपना जो चैप्टर है उसकी अपन बात करें तो वो जो चैप्टर अपना चल रहा है सॉलिड स्टेट, और सॉलिड स्टेट में जिस चीज़ को अपन लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है आप लोगों का यूनिट सेल एंड इट्स टाइप्स, जिसमें अपन लोगों ने चार प्रकार के यूनिट सेल की बात की थी, SCC, BCC, FCC और ECC, जिसमें से अगर अपन लोग बात करें तो सबसे पहले जो है आप लोगों का SCC सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, जिसको अपन लोग पूरी तरीके से पढ़ चुके हैं। अब अपन बात करते हैं आप लोगों का BCC। नंबर दो पे कौन सा है आप लोगों का? बॉडी सेंटर्ड सेल। कौन सा है? बॉडी सेंटर्ड सेल। बॉडी सेंटर्ड सेल का मतलब क्या होता है? ऐसी एक कोष्ठिका जिसमें घटक कण कोनों के साथ साथ बॉडी के सेंटर में भी पाया जाता हो। क्या मतलब है कि अपन लोग कोई भी यूनिट सेल की बात करें तो सर्वप्रथम अपन बात करते हैं उसकी परिभाषा की। सबसे पहली बात अपन किसकी करते हैं? उसकी परिभाषा की। और परिभाषा की अगर आप लोगों से बात की जाए तो मैं आप लोगों को ये कह रहा हूँ कि ऐसी एक कोष्ठिका जिसमें घटक कण केवल कहाँ पाए जाते हों? कोने पे पाए जाते हों। एक बार आप लोग मेरी बातों को केवल सुने, फिर एक बार ध्यान से सुनने के बाद में जब स्पीडली मैं आप लोगों को लिखवाऊंगा उस समय आप लोग पूरा ध्यान लिखने में लगा लेना। सबसे पहली चीज़ जैसे अपन बात करें परिभाषा की, तो मैंने ये कहा ऐसी एक कोष्ठिका जिसमें घटक कण कोनों के साथ साथ बॉडी के सेंटर में भी पाया जाता हो। तो लिखिए आप लोग परिभाषा, ऐसी एक कोष्ठिका जिसमें घटक कण कोनों के साथ साथ काय के केंद्र में भी पाया जाता हो, उसे काय केंद्रित एकक कोष्ठिका कहा जाता है, क्या परिभाषा हो गई? अपनी डेफिनेशन क्या हो गई? द यूनिट सेल इन विच कंस्टिट्यूट्स पार्टिकल्स अराइज नॉट ओनली कॉर्नर बट आल्सो प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ बॉडी इज नोन एज बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। ऐसी एक कोष्ठिका जिसमें घटक कण कोनों के साथ साथ बॉडी के सेंटर में भी पाया जाता हो तो उसे काय केंद्रित एक कोष्ठिका कहा जाता है। दूसरी देखिए अपन बात करेंगे उसके रिप्रेजेंटेशन की। दूसरी बात अपन किसकी करते हैं कि उसको किस तरीके से दर्शाया जाता है, तो बोर्ड पे एक बार आप लोग देखिए, पहले स्टेप्स को समझिए फिर आप लोग कॉपी में मेंशन कीजिए। तो दूसरा जो अपन स्टेप की बात करते हैं वो करते हैं उसका रिप्रेजेंटेशन। क्या होता है उसका? रिप्रेजेंटेशन। तो रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो एक तो कहाँ मिलेगा आपको? कॉर्नर पे मिलेगा। ये अपन केवल रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है? तो इस तरीके तो एक तो कॉर्नर पे और एक कहाँ मिलेगा? बिल्कुल बॉडी के सेंटर में। कहाँ मिलेगा आपको? बॉडी के सेंटर में। तो दूसरा पॉइंट भी आप लोग बना लीजिए उसका रिप्रेजेंटेशन। लिखिए BCC को निम्न प्रकार से दर्शाया जा सकता है, BCC कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। ये दूसरी बात जो है आप लोगों की वो है आप लोगों का रिप्रेजेंटेशन। आप लोग जल्दी से इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। दूसरी बात अपन लोग कर रहे हैं किसके बारे में? रिप्रेजेंटेशन के बारे में। जल्दी से एक क्यूब बनाओ। क्यूब बना लिया तो कोनों पे एक तो रिप्रेजेंट करो घटक कण को और एक बिल्कुल बॉडी के सेंटर में जो है वहां आप लोग इस चीज को क्या करो? रिप्रेजेंट करो। क्लियर है? बात आपके समझ में आ गई होगी। देखिए तीसरी बात अपन लोग किसकी करते हैं? प्रति एक कोष्ठिका परमाणुओं की संख्या। तीसरी बात क्या करते हैं अपन लोग? प्रति एकक कोष्ठिका परमाणुओं की संख्या। प्रति एकक कोष्ठिका परमाणुओं की संख्या, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। प्रति एकक कोष्ठिका परमाणुओं की संख्या, और वो किसके लिए पढ़ रहे हैं? BCC के लिए। तो BCC की अगर परिभाषा की बात करें तो घटक कण एक तो कोने पे होते हैं और एक कहाँ होता है? बॉडी के बिल्कुल सेंटर में। तो एक बात आप लोग बताइए,
कोने का जो घटक कण है, पिछली क्लास में आप लोगों से बात हुई थी तो मैंने आपको कहा था कि कोने का एक घटक कण कितने कमरों में या कितने यूनिट सेल में कॉमन होता है, तो आपने कहा था सर वो 1/8 यानी कि 8 कमरों में वो कॉमन होता है। तो एक कोने के लिए जो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल आएगा वो 1/8 आएगा, तो टोटल कोनों की संख्या सर 8 होती है। तो एक तो ये हो गया, ठीक है, प्लस ये तो कहाँ से आया घटक कण, कोनों से। एक जो बिल्कुल बॉडी के सेंटर में जो घटक कण है, क्या वो किसी के साथ में शेयर थोड़ी हो रहा है? नहीं हो रहा, वो बिल्कुल कहाँ है, बॉडी के सेंटर में है। उसके कुछ टुकड़े बुकड़े नहीं हो रहे, वो पूरा का पूरा जो है एटम है, चाहे बॉल है चाहे तरबूज है, वो किसके लिए? अगर कमरे के बिल्कुल बीच में रखा हुआ है, अगर इस दीवार पे रखा हुआ होता बीच में, तो आधा हिस्सा इधर होता और आधा हिस्सा पिछले कमरे का होता, मतलब आधा हिस्सा इस यूनिट सेल का और आधा हिस्सा उस यूनिट सेल का। लेकिन वो तो कहाँ पे है, बिल्कुल बीच में है इस तरीके से कमरे के, तो वो किसी के साथ में शेयरिंग नहीं करेगा, वो एक अकेला आएगा। तो प्लस अपन क्या करेंगे, एक, इसको अगर अपन सोल्व करेंगे तो अपना आंसर क्या आएगा, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल फॉर बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल हमेशा कितना आएगा, 2 आएगा। तो तीसरी बात आपके समझ में आ गई होगी, जल्दी से आप लोग इस चीज को भी नोट कर लीजिए, प्रति एकक कोष्ठिका परमाणुओं की संख्या, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, वो आएगा आप लोगों का 1/8 इंटू कुल 8 कोने, प्लस एक जो बॉडी के सेंटर में है वो किसी के साथ में कोई शेयरिंग नहीं करेगा, तो उसका आंसर 1 आएगा। तो 1 + 1 आप लोग योग करोगे तो आंसर आपके सामने है। ये हुई अपनी तीसरी बात, जल्दी से नोट करें आप लोग। ठीक है, अब देखिए अगली बात अपन करें, वो है आपका समन्वय संख्या। क्या है चौथी बात अपन कर रहे हैं, समन्वय संख्या की। तो आप लोग मेरे को ये बताइए, समन्वय संख्या पिछली क्लास में आप लोगों को बताई थी ना, निकटतम पड़ोसियों की संख्या। एक बात आप लोग और बताइए, अगर अपने पड़ोस में कोई है तो अपन ये बोलते हैं कि हमारे ये इधर के पड़ोसी ये हैं और इधर के पड़ोसी ये हैं, ठीक है। तो आपके अगर वो पड़ोसी हैं तो आप भी तो उनके क्या हो, पड़ोसी हैं। मतलब ये बात क्यों बता रहा हूँ, अभी आपके यहाँ क्लियर होएगी। समन्वय संख्या का मतलब क्या होता है, समन्वय संख्या का मतलब होता है निकटतम पड़ोसियों की संख्या। अब देखिए, अगर आप लोगों का ये जो एटम है या स्पीसीज है या मॉलिक्यूल है, बॉल है, त्रिभुज, जो भी स्ट्रक्चर है, ये बिल्कुल बॉडी के सेंटर में है, और अगर ये एक आप लोगों का क्यूब है इस तरीके से, तो क्यूब के बीच में जो आप लोगों का जो सेंटर पॉइंट है, उस सेंटर से आप लोग क्यूब के किसी भी कोने में चले जाइए। अगर मैं इस कोने में जाऊं, इस कोने में जाऊं, इस कोने में जाऊं, इस कोने में जाऊं, चारों के ऊपर के कोने में जाऊं या नीचे के कोने में जाऊं, अगर कमरा एक क्यूब की भांति है, तो प्रत्येक कोने से सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या आएगा, बराबर आएगा। तो ये जो आपका बीच का जो सेंटर पॉइंट है, यानी कि जो घटक कण है, यहां से देखिए आप लोगों से मैं बात करूं तो एक तो ये, फिर दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा, छठवां, सातवां और आठवां। तो एक जो सेंटर का एटम है उसके निकटतम से निकटतम पड़ोसी कितने हैं इक्वल डिस्टेंस पे, 8 आ रहे हैं। तो यहाँ समन्वय संख्या कितनी आ जाएगी, 8। लेकिन एक बात मैंने आप लोगों को कही थी कि आपका अगर पड़ोसी है तो उससे अगर कोई पूछेगा तो वो आपको क्या बताएगा, पड़ोसी। कहने का मतलब ये है कि अगर इस एटम के लिए 8 आ रहे हैं तो प्रत्येक एटम के लिए कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। बोले सर ये बात कहाँ से कह रहे हो आप लोग, ये तो समझ में नहीं आ रहा है। जो पहला स्टेटमेंट का वो तो सामने दिखाई दे रहा है कि 1 से 8 ये मिल रहे हैं, तो दूसरा स्टेटमेंट मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ कि कोई भी सॉलिड होता है या कोई भी क्रिस्टल होता है या कोई भी ईंट का चट्टा होता है, तो उसमें एक अकेली ईंट नहीं होती है। अपन कौन से ईंट की बात करते हैं, बिल्कुल सेंटर वाली को अपन क्या करते हैं, इमेज करते हैं, उसको सोचते हैं। तो देखिए अगर इसको सोचोगे तो इसके इधर भी क्या होगा, यूनिट सेल, इधर भी क्या होगा, यूनिट सेल, बैक साइड में यूनिट सेल, फ्रंट साइड में यूनिट सेल, अप साइड में, अपर की बात करोगे तो भी यूनिट सेल, और डाउन साइड की बात करोगे तो भी क्या आएगा, यूनिट सेल। तो देखिएगा अगर मैं इस एटम की आप लोगों से बात करूंगा,
इस एटम में, तो इधर भी एक सेंटर में आएगा, ये भी सेंटर में आएगा, ठीक है। एक सेंटर उधर बनेगा, एक सेंटर इधर बनेगा। कहने का मतलब ये है कि चार सेंटर आप लोगों के नीचे की साइड में बनेंगे और चार ही सेंटर उस कोने से ऊपर की साइड में बनेंगे। चाहे आप लोग अपने को, है ना, जैसे यही कह रहा हूँ कि आपको अगर कोई पड़ोसी बोलता है तो वो हमारा भी क्या है, पड़ोसी। ऐसा नहीं कि वो तो आपको पड़ोसी बोलता है, आप लोग ये बोलते हो कि नहीं रे ये तो बहुत ही, मतलब हमारे से तो बहुत ज़्यादा दूर है, ऐसा नहीं होता। वो आपको पड़ोसी बोलता है तो आपका भी वो क्या है, पड़ोसी है। कहने का मतलब इसके लिए आठ आ रहा है तो इसके लिए भी आठ आएगा, इसके लिए भी आठ आएगा, इसके इसके सबके लिए क्या आएगा, वो आंसर आपका आठ आएगा, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग और ज़्यादा एनालिसिस कर सकते हो। बस अपने बीच में एक ही गैप है कि अपनी जो क्लास चल रही है वो फिलहाल कौन सी है, यूट्यूब पे है। अगर अपने सामने होता तो अपना कमरा ही अपने लिए क्या होता, यूनिट सेल, और उससे बाहर कुछ नहीं जाता, पूरा सॉलिड स्टेट हो जाता। ये देखिए, यहाँ अगर अपन बात करें तो इसका जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर में अपन लोगों ने क्या लगा रखा है, इस क्यूब के सेंटर में क्या लगा रखा है, एटम। अब इस कोने से देखिए, इस कोने से एक वो सेंटर का जो एटम है बिल्कुल बॉडी के सेंटर में वो, और यहाँ अगर मैं इस तरीके से रख देता हूँ, मैं आप लोगों का मान लीजिए एक क्यूब ये है, तो इसके क्यूब के भी सेंटर में क्या है आप लोगों का, इस क्यूब के सेंटर में भी क्या है, एटम है। तो इस कोने से इसके सेंटर में जाए या इस कोने से इस क्यूब के सेंटर में जाए, डिस्टेंस आपको क्या मिलेगा, फिक्स मिलेगा, इक्वल मिलेगा, ठीक है। इसको बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों का रिप्रेजेंट किया गया है NCERT 12th की बुक में। वहाँ से आप लोग इसको देखोगे तो अलग अलग रंगों में वो आप लोगों को बताए गए हैं। मेरे हिसाब से आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप लोग कभी भी पर्सनली आकर के मेरे से पूछ लीजिएगा, ठीक है। बार बार आप लोग इसको पढ़ोगे तो चीज़ें क्लियर आएगी। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया अपना, आठ। बोले सर अपन लोगों ने ए और आर की भी बात की थी, तो पिछली बार तो बहुत जल्दी कर ली थी, इस बार सर अपन क्या हो रहे हैं, लेट हो रहे हैं। तो लेट कुछ नहीं है भैया, अपन सभी साथ में आ जाएंगे। जो छह बातें करनी होती हैं वो बातें अपन करेंगे, चाहे एक पहले कर ले या एक बाद में कर ले, बातें अपन टोटल छह करेंगे। दूसरी चीज क्या है आप लोगों का, ए और आर में संबंध, है ना। अपन इस चीज को जल्दी से क्लियर करते हैं कि आज की क्लास में ये चीजें अपनी BCC क्या हो, कंप्लीट हो। तो देखिए, ए और आर में संबंध करें तो थोड़ा सा आप लोग एकाग्र कर लीजिए, है ना। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा एकाग्र होने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि थोड़ा सा क्या है आप लोगों को यहाँ पे लॉजिक और अपनी जो तर्क शक्ति है उस पर थोड़ा जोर देना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि अपन जो पढ़ रहे हैं बोर्ड पे वो एक्स और वाई दो ही निर्देशांक हैं अपने पास में। तो तीन निर्देशांक कहाँ हैं, अपने दिमाग में। तो उनको आप लोगों को अब क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा उनको इमेजिनेशन में अपने को लाना पड़ेगा। तो देखिए किस तरीके से, ये क्या है आप लोगों का, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। देखिए पहले तो अपन लोगों ने केवल उस चीज को क्या किया था, रिप्रेजेंट किया था। अब इसको थोड़ा सा अपन जो है वो वास्तविकता की तरफ लेकर के जाते हैं। देखिए यहाँ स्थिति क्या होती है, सबसे पहले आप लोगों से मैं बात करूं तो आप लोगों ने क्या पढ़ा था, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल पढ़ा था ना इससे पहले। तो वहां जो घटक कण की स्थिति थी ना वो इस तरीके से थी कि ये घटक कण और ये घटक कण, याद आ रहा है कुछ आप लोगों को, है ना। मैं केवल रिप्रेजेंट कर रहा हूं आप लोगों का। तो इसकी रेडियस को अपन लोगों ने क्या बोला था, आर बोला कि नहीं बोला, बोला था। यहां पे भी क्या बोला अपन लोगों ने, आर बोला था। और इस पूरी लेंथ को अपन लोगों ने क्या बोला था, ए बोला था। यानी कि ए बराबर क्या आया था, 2R आया था। ये तो अपना रिलेशन आया था, लेकिन यहां लफड़ा क्या हो जाएगा, ये तो अगर आप लोग बात करो इस तरीके से तो ये किसकी बात चल रही है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की। इसका मतलब क्या होता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का, कि ये जो सारे के सारे घटक कण है वो इस तरीके से क्या रहते हैं आप लोगों के, जुड़े हुए रहते हैं, है ना। आपको ये लग रहा है कि सर ये तो दो गोल हैं, ये कैसा बना दिया, तो बस प्रॉब्लम कहाँ है, यहाँ दो ही निर्देशांक हैं, अपने कितने होने चाहिए, तीन, जो कि 2D में पॉसिबल नहीं है। तो इस तरीके से कहने का मतलब ये है कि आप लोग इसको थोड़ा सा अगर आप लोग समझने की कोशिश करें तो यहाँ के जो घटक कण है, मान लीजिए सामने की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो यहाँ जो घटक कण है वो इस तरीके से, देखिए व्हाइट पे आप लोगों को इस तरीके से आएंगे वो, ये और ये, यानी कि चारों के चारों जो घटक कण है ना वो आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं। ये तो कौन से केस में है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में। लेकिन इस सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को मैं अगर बॉडी सेंटर्ड में कन्वर्ट करता हूं तो आप लोगों को ये पता है कि कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स कॉर्नर के साथ साथ कहां आएगा, बॉडी के सेंटर में आएगा। और बॉडी के सेंटर में आते ही क्या परिवर्तन हो जाएगा, कि जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में घटक कण सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे,
अब जैसे ही आप लोग बॉडी के सेंटर में किसी एटम को एग्जिस्ट करवाओगे, वो सारे एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, और उनकी कनेक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिसकनेक्ट हो जाएगी, यानी कि वो एक दूसरे से अब अटैच नहीं रहेंगे। अटैच किसके साथ में रहेंगे, बिल्कुल बॉडी वाले के साथ में अटैच रहेंगे। आई बात समझ में? तो यहाँ जो अब आपका जो सिंपल क्यूबिक से, ये तो किसका केस था, सिंपल क्यूबिक केस का, लेकिन अब आप लोग इसको किस में कन्वर्ट कर रहे हो, बीसीसी में। और बीसीसी में कन्वर्ट करने के लिए घटक कण कोनों के साथ साथ आपको कहाँ लेकर के आना पड़ेगा, बॉडी के सेंटर में लाना पड़ेगा। और जैसे ही आप लोग बॉडी के सेंटर में लेकर के आओगे, ये जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो घटक कण है, भैया थोड़ा सा आप लोग एकाग्र हो जाइए, इतनी आसान चीजें भी नहीं है। अब धीरे धीरे अपन क्या है, कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं, तो वैसा नहीं हो कि मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन की सर पहले बताया उतना ही सेफ नहीं, अपने को पूरा चैप्टर कवर करना है। तो इधर देखिए, ये तो था एससीसी में, लेकिन जैसे ही आप लोग बॉडी सेंटर में लेकर के आओगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे। अब ये क्या है, अटैच नहीं रहेंगे। मतलब इसका रेडियस तो आर होगा, बिल्कुल सही बात है, इसका रेडियस भी आर होगा, लेकिन ये जो दूरी इसमें क्रिएट हो गई, आ गई ना बात समझ में, जैसे पटरियों के बीच में होती है कि पटरियों के बीच में जगह क्यों रखी जाती है, तो आपको पता है कि सर्दियों में तो क्या होते हैं, सिकुड़ते हैं, और गर्मियों में क्या होते हैं, फैलते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अगर वो सिकुड़ते हैं तो उसमें क्या आ जाएगा, सिकुड़ेंगे तो बीच में क्या आ जाएगा, डिस्टेंस क्रिएट हो जाएगी। ठीक ऐसी बात यहाँ क्रिएट हो रही है, यहाँ सर्दी गर्मी की बजाय क्या आ रहा है, एससीसी और बीसीसी। तो बीसीसी जैसे ही लेकर के आओगे, ये गेप क्रिएट हो जाएगा, और ये गेप क्रिएट होते ही अब आप लोग ए बराबर टू आर नहीं बोल सकते। आगे बात समझ में? तो क्या बोल सकते हैं, वो बात अब करेंगे। देखिए, अगर आप लोगों का इमेजिनेशन पावर अच्छा है ना, तो सॉलिड स्टेट आपके लिए एक गेम है, बाकी आप लोग रटते करते हो तो वो आपकी एक अलग बात है, वो ज़्यादा लंबा लेके नहीं जाएगी। अब देखिए, अपन बात करते हैं बीसीसी की। इधर देखिए बोर्ड पे एक बार, आप लोग कॉपी में कुछ भी मेंशन मत करना, ये देखिए आप लोग, ये वही क्यूब है जिसका एज लेंथ ए है, लेकिन जैसे ही आप लोग बॉडी के सेंटर में कोई एटम लेकर के आए इस तरीके से भैया, ठीक है, तो ये जो एटम थे आप लोगों के, ये और ये जो एटम है, ये अब क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। यहाँ बीच में जो है, ये देखिए, यहाँ जो है अब क्या हो जाएगी, यहाँ से दूरी आ जाएगी इन दोनों के बीच में, ये गैप क्रिएट हो जाएगा, इधर ये गैप क्रिएट, इधर ये गैप क्रिएट, और इनमें ये गैप क्रिएट। लेकिन ये जो सेंटर वाला है ना, अब आप लोग थोड़ा सा इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। आप लोग जिस भी कमरे में बैठे हो, उस कमरे को आप लोग एक क्यूब मान लीजिए। मान लीजिए आपका कमरा क्यूब नहीं भी है, तो जहां दीवार लगाने से क्यूब बनती है, आप लोग तो उस कमरे को वहीं दीवार लगा दीजिए अपने हिसाब से, ठीक है, वो कमरा आपका क्यूब बन जाएगा। अब मेरी बात को थोड़ा सा आप लोग समझने का प्रयास करें, बार बार करोगे तो ए और आर में अपन अंगुलियों पे संबंध निकाल के ले आएंगे कि इसका जो संबंध आएगा वो आएगा आप लोगों का अंडर रूट 3a बराबर 4r, ये किस तरीके से आएगा भैया, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग अपने दिमाग की जो कैपेसिटी है उसको आप लोग थोड़ा बढ़ा लीजिए और एकाग्र हो जाइए। देखिए, अपना जो कमरा है, अब आप लोग बोर्ड पे नहीं, अपना जो कमरा है उसका फोकस कीजिएगा। उस कमरे के बिल्कुल सेंटर में एक घटक कण लगा दिया अपन लोगों ने, और प्रत्येक कोने में भी अपन लोगों ने क्या लगा दिया, घटक कण। ठीक यही होता है बीसीसी की, घटक कण एक तो सेंटर में होता है और एक प्रत्येक क्या होता है, कोने पे होता है। लेकिन शर्त क्या हो गई कि जैसे ही आप लोगों ने इसमें घटक कण सेंटर में लेकर के आए, ये जो आपके कमरे के एक कोने से दूसरे कोने का जो घटक कण जुड़ा हुआ था, जिसको अपन लोगों ने a बराबर 2r बोला था, उनके बीच में क्या क्रिएट हो जाएगा, अब एक गैप क्रिएट हो जाएगा। लेकिन जैसे ही बॉडी के सेंटर में लेकर के आओगे, वहां तो गैप क्रिएट हो जाएगा, लेकिन एक जो कोने का घटक कण है और सेंटर का घटक कण है और नीचे का जो आपका घटक कण है, ये तीनों आपस में क्या रहेंगे, अटैच रहेंगे। बॉडी डायगोनल बताया था ना मैंने आपको, चार बॉडी डायगोनल होते हैं, तो ये आपस में क्या रहेंगे, अटैच रहेंगे। आप लोग किसी भी कोने से, अपोजिट कोने की बात कर रहा हूं मैं, जो विकिरण वाला जो कोना है, डायगोनल कॉर्नर की बात कर रहा हूं, कॉर्नर टू कॉर्नर, बट कंडीशन क्या है, आपको ऊपर लेके नहीं जाना, फेस टू फेस आपको कहाँ जाना है, कॉर्नर से कॉर्नर जाना है। तभी मैंने कहा था इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप लोग उस चीज को हल्के में मत लीजिएगा। अब देखिए,
वहां अगर एटम है, यहां अगर एटम है और नीचे अगर एटम है, तो वहां का जो एटम आएगा उसका लिया जाएगा क्या, रेडियस। आप कमरे में फोकस कीजिएगा, और बीच में जो आएगा उसका रेडियस नहीं आएगा, उसका क्या आएगा, व्यास आएगा। और इधर का जो एटम आएगा उसका क्या आएगा, आ रहेगा। तो ये जो आपका टोटल डिस्टेंस है वो क्या आ जाएगा आप लोगों का, कमरे में देखिए आप लोग अभी बोर्ड पे देखोगे तो अपनी ऑफलाइन क्लासेस की बस ये एक लिमिटेशन है जहां पे अपना कम्युनिकेशन प्रॉपर वे में अगर इमेजिनेशन है तो बैठ जाएगा, वरना प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो आप लोग कोशिश ये करें कि बैठ जाए। तो वहां का आर रेडियस, बीच का 2R और नीचे का R, यानी कि अगर मैं इस डिस्टेंस की आप लोगों से बात करता हूं तो ये टोटल डिस्टेंस आपकी क्या आ रही है, 4R। क्या आ रही है ये डिस्टेंस आप लोगों की, 4R। एक चीज बताइए आप लोग मेरे को, ये डिस्टेंस क्या आ रही है, 4R। मैं कहने का मतलब ये है कि अगर 2D में जितना पॉसिबल हो सकता है अपन इसको करने का प्रयास करेंगे। देखिएगा इधर, अगर आप लोगों का यहां मान लीजिए कोई एटम है इस तरीके से, और ये बिल्कुल बॉडी के सेंटर का एटम है, और ये इसका अपोजिट है, तो इसका क्या आएगा यहाँ पे, रेडियस। और ये क्या आएगा आपका, पूरा व्यास। और इसका ये क्या आएगा, रेडियस। यानी कि जो बॉडी डायगोनल है उसका डिस्टेंस क्या आ रहा है आप लोगों का, 4R। उसका डिस्टेंस क्या आ रहा है, 4R। अब एक बात आप लोग मेरे को और बताइए, बोले सर वो भी बताइए क्या बात है, वो बात ये है कि ये आपका क्या है, एक क्यूब है। ठीक है, अब देखिए ये अगर आप लोगों का एक क्यूब है तो बताइए इसका डिस्टेंस क्या है, ए है ना, और इसका डिस्टेंस क्या है आप लोगों का, ए, और इसका डिस्टेंस भी क्या है, ए। तो अगर आप लोगों को ये वाला डिस्टेंस निकालना है तो क्या बन गया आप लोगों का, पाइथागोरस प्रमेय। क्या बन गया, पाइथागोरस प्रमेय। और वो क्या होती है आप लोगों का, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस क्या होता है आप लोगों का, लंब का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे आधार और लंब क्या है, ए और ए, तो ए का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आप लोगों का, ए का स्क्वायर। यानी कि दोनों का योग करोगे तो क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन कर्ण के स्क्वायर को अगर आप लोग यहाँ से हटाओगे तो कर्ण की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट 2a। बोलो ये बात आपके समझ में आई कि नहीं आई। मैथमेटिक्स वालों के लिए मैं ये कहूँगा कि अगर मैं अब भी उनको बताऊंगा तो उनकी मैथमेटिक्स लेना क्या है फिर, समझ गए आप लोग। बायो वाले थोड़ा सा इसको अपन करें बात, तो थोड़ी सी चीज़ें हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आपका कोना अगर आप लोगों का एक क्यूब है, थोड़ा सा लंबा वीडियो खींचेगा आप लोगों का। ठीक है, तो अपन बात करें तो आप लोगों का जो कमरा एक क्यूब है तो एक लेंथ ए, मतलब सभी लेंथ क्या आएगी आप लोगों की, ए ए। तो आपको अगर उसका निकालना है कौन सा, फेस वाला विकिरण निकालना है, तो कुछ नहीं, पाइथागोरस प्रमेय को अप्लाई कर दीजिए। ये भी ए है, ये भी ए है, तो अब ये निकालना है तो ए का स्क्वायर और ए का स्क्वायर 2a स्क्वायर, करण के स्क्वायर में से स्क्वायर को हटाओगे तो रूट 2a। आई बात समझ में, क्या निकल के आया कि ये वाला जो डिस्टेंस है वो अब आपका क्या निकल के आ गया, रूट 2a। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर है। और ये वाला डिस्टेंस है ये क्या है, a। और अब आपको ये वाला डिस्टेंस निकलवा दूं, यानी कि यहां का r, यहां का 2r और यहां का r। एक तो अपने पास में ये चीज क्या है, 4r, लेकिन a के साथ इसका क्या संबंध है वो बात अब निकल करके आएगी। अगर ये डिस्टेंस रूट 2a है और ये a है तो ये अपने आप क्या बन गया भैया, कर्ण बन गया। और वापस वही पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो एक चीज को मैं आधार मानता हूं, मान लीजिए वो रूट 2a का स्क्वायर करता हूं तो 2 का तो रूट हट जाएगा, 1 का क्या जाएगा, 2a स्क्वायर। और एक डिस्टेंस क्या है, ये आप लोगों की a है तो इसका क्या जाएगा, a स्क्वायर। भैया दोनों को जोड़ दीजिए क्या जाएगा, 3a स्क्वायर। लेकिन इधर क्या है, कर्ण का स्क्वायर, और कर्ण का स्क्वायर आप लोग हटाओगे तो 3 पे तो क्या जाएगा, रूट, और ये क्या जाएगा, a। यानी कि जो डिस्टेंस 4r थी वो किसके बराबर है, रूट 3a के। यही तो निकालना था, आई बात समझ में। वीडियो को फिर देखें, बार बार देखें, जब तक समझ में नहीं आए तब तक देखें। और आप लोग अपनी कॉपी में मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स को कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, मेरे हिसाब से अगर उसने मैथ को पढ़ रखा है तो रूट 3a बराबर 4r इतना ही लिखे। और बायो का जो स्टूडेंट है वो बार बार इनके स्टेप को याद करे और अपनी कॉपी में इस चीज़ों को क्या करें, मेंशन। तो अगला पॉइंट अपन लोगों ने क्या पढ़ लिया, a और r में संबंध। तो एक ही शब्द में आप लोगों का अगर इसको अपन पूरी चीज़ को जो अपन लोगों ने अब तक पढ़ी है उसको अगर अपन लिखना चाहें तो a और r में जो आप लोगों का संबंध आया वो क्या आ गया आप लोगों का, रूट 3a बराबर क्या आ गया, 4r। बस
पांचवी बात क्या आ गई, ए और आर में संबंध। ए और आर में क्या संबंध आया आप लोगों का, रूट थ्री ए बराबर क्या आ गया, फोर आर। ठीक है, बीच में आपको ये लगता है कि मैंने मिटा दिया कर दिया, तो जहां नहीं मिटाया हुआ है वहां पे यूज कीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी में मेंशन कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट और अंतिम स्टेटमेंट जिसके साथ आज की क्लास को अपन क्या करेंगे, खत्म करेंगे। बताइए कौन सी चीज रह गई, अगर पिछली क्लास रही है तो आप लोगों को अब आनी चाहिए। क्या रह गया आप लोगों का, पैकिंग फ्रैक्शन। बहुत अच्छे, कुछ बच्चों के दिमाग में ये चीजें चल रही हैं। कौन सा रह गया आप लोगों का, पैकिंग फ्रैक्शन, संकुलन क्षमता। और एक बात बताइए, संकुलन क्षमता क्या होती है, भरा हुआ भाग बट्टा कुल आयतन। तो कुल आयतन क्या आएगा, एक क्यूब। भरा हुआ भाग कितने, मैंने कहा जितने तरबूज है उतने से मल्टीप्लाई कर देना। इसके लिए कितना आया था, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल दो आया था, तो दो और एक का आयतन क्या होता है, चार बट्टा तीन पाई आर क्यूब। ठीक है, एक बार आप लोग इधर देखिए, खुद मेंशन करोगे आप लोग इस चीज को, क्लियर है, अपनी कॉपी में एक बार बोर्ड पे देख लीजिए। आर और ए में कोई संबंध नहीं है, तो इनमें संबंध बैठाए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपने को पता है रूट थ्री ए बराबर क्या होता है, फोर आर होता है। तो ए की अगर अपन बात करेंगे, ए की अगर अपन बात करेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, फोर आर अपॉन क्या आ जाएगा, रूट थ्री। भाई ए की वैल्यू को अपन क्या आ जाएगा, फोर आर अपॉन रूट थ्री। तो ये ए की वैल्यू है वो अपन कहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं। तो यहाँ रखेंगे तो ये दो इंटू चार बट्टा तीन क्या है, पाई आर क्यूब। और ए के स्थान पर क्या रख देंगे, फोर आर अपॉन क्या आएगा आपका, रूट थ्री। और इसका क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा। अगर आपको इसको परसेंट में आंसर निकालना है तो कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 100 से। इसको आप लोग सोल्व करोगे, इसका जो आंसर आएगा वो पहले मैं अगली क्लास में आप लोगों से पूछूंगा कि इसका आंसर क्या निकल करके आया। ठीक है, इसका आंसर सही निकल करके आना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग निकाल के लेके आना। आज की क्लास में अपन लोगों ने बीसीसी को कंप्लीट किया, वही छह बातें अपन लोगों ने पढ़ी। सर्वप्रथम अपन एक मिनट में इस चीज को रिवाइज करते हैं, तो सर्वप्रथम अपन लोगों ने परिभाषा पढ़ी। क्या पढ़ी परिभाषा, घटक कण कोनों के साथ साथ बॉडी के सेंटर में, थोड़ा स्पीडली। दूसरी क्या, उसका रिप्रेजेंटेशन। तीसरा नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, एक बट्टा आठ इंटू आठ प्लस का एक बराबर कितना आया था, दो आया था। उसके बाद में समन्वय संख्या आपकी आठ आई थी ना, आठ ही लिखा था ना, कहीं मिस्टेक से छह नहीं लिखा गया हो, आठ आया था। ठीक है, आठ, अगर आप लोगों ने बाई मतलब जो मैं कहना चाह रहा हूँ आठ आया था। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करें तो अपना ए और आर में संबंध आया था रूट थ्री ए बराबर फोर आर। और सबसे लास्ट में जो ये पैकिंग फ्रैक्शन है उसका फाइनल आंसर आज की क्लास में नहीं बताएंगे, अगली क्लास में आप लोग इसका आंसर लेके आओगे और अपन बात करेंगे एफ सी सी की। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद, बार बार रिवाइज करते रहें। थैंक्स।